हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बजाज की पल्सर 125 BS6 बाइक, उसके साथ ही TVS की रेडर 125, ये तो BS6 ही है क्योंकि नई बाइक लॉन्च हुई है, इन दोनों बाइकों की ड्रैग रेस करवाने वाले हैं। और ड्रैग रेस यहाँ पार्क में नहीं होगी, यहाँ बस इंट्रो शूट कर रहा हूँ क्योंकि हाईवे के ऊपर काफ़ी शोर शराबा और आवाज़ आ रही है। और उधर पीछे की साइड हाईवे आप देख पा रहे होंगे, उधर हाईवे, इधर रेस्टोरेंट है, इसका पार्क था तो मैंने पार्क में खड़ी कर लिया दोनों बाइक। इन दोनों बाइकों में पावर का थोड़ा सा फर्क आपको बता देता हूँ। रेडर के अंदर आपको 11.2 BHP और 11.2 Nm टॉर्क मिलता है, और वहीं पल्सर के अंदर आपको 11.8 BHP और 10.8 Nm टॉर्क मिलता है। तो पावर पल्सर में ज़्यादा है लेकिन टॉर्क रेडर में ज़्यादा है। तो अब देखते हैं रेस में आखिर विनर कौन बन जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रेस होने वाली है, बहुत ही टक्कर की रेस रहेगी और राइडर्स का जो वेट है वो भी सेम रहने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और साथ ही आपको बताना चाहूँगा, हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त राइडर वीर जी और मैं पूरी राइडर फैमिली का स्वागत करता हूँ आज एक नई वीडियो के अंदर। तो अभी फर्स्ट राउंड स्टार्ट होने वाला है, मैं चला रहा हूँ रेडर 125 और भाई चला रहे हैं पल्सर 125। अब देखते हैं कौन सी बाइक आगे निकल के आती है, इसके बाद हम राउंड चेंज करेंगे, मतलब सॉरी राइडर स्विच करेंगे। सेकंड राउंड में मैं पल्सर चलाऊंगा और भाई चलाएंगे रेडर 125। भाई अभी रेडर आगे आ गई अपनी, देखते हैं कब तक आगे रह पाती है। मुझे ऐसा लग रहा है टॉप एंड पे पल्सर आगे निकल जाएगी क्योंकि पावर थोड़ी ज़्यादा है। अभी अपनी रेडर पहुंच गई 100, 105, 107, 108। पल्सर जस्ट अपने पीछे है यार, नहीं मैं दोबारा मुड़ के पीछे नहीं देखूंगा। तो मेरे को शायद उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, आ सकती है आगे, या पता नहीं मेरे कानों में उसकी आवाज़ का डर है, बस ध्यान नहीं है यार। भाई मेरी बाइक चल रही है 112 कंटिन्यू। अभी तक तो पल्सर आगे आ नहीं पाई है। ओहो, मैंने देखा गैप बना हुआ है अभी तो अच्छा खासा, अभी तो कोई चांस भी नहीं था उसका आगे आने का। सेकंड राउंड करते हैं। तो भाई अभी अपन चलाएंगे पल्सर 125 और भाई चला रहे हैं रेडर 125। फर्स्ट राउंड में पल्सर हार गई है। भाई अभी अपन थोड़ी आगे आए थे लेकिन रेडर दोबारा आगे निकल गई है, देखते हैं कवर कर पाता नहीं कर पाता, मुझे मुश्किल लग रहा है यार कवर करना तो, और क्या पता हो भी जाए कवर, क्या पता भाई। एक सौ चौदह 115 में भी कवर हो जाएगा। शायद कवर हो सकता है 117। वाह वाह वाह, पल्सर 125 117, वाह सही है। मैं काफ़ी पास आ गया हूँ रेडर के और शायद अब अपन आगे निकल सकते हैं। ये इधर रेडर चल रही है, दिख रही है, आपको रेस में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए हमें। और बराबर की टक्कर दे रही है यार, ऐसा क्रॉस
नहीं कर पा रहा हूँ मैं रेडर को। क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ। रेडर थोड़ी स्लो कर ली भाई ने, स्लो नहीं रेस ही बंद कर दी यार इस पर। मैं मेरे को लगा था मैं शायद इस पर क्रॉस कर जाऊंगा। कोई नहीं यार, क्या कर सकते हैं। क्या बोलते हो, एक अटैम्प और कर लिया जाए? एक अटैम्प और कर ले तो एक अटैम्प और कर लेते हैं अपना। ये थर्ड अटैम्प है आप लोगों के लिए, शायद फोर्थ हो जाए। रेडर फिर से आगे जा रही है यार। अरे सही मजाक चल रहा है, अपन फिर आ रहे हैं ऐसा कैसे? ऐसा ऐसे जैसे हो रहा है और कैसे। कोशिश करते हैं, पास आ गया। और इस बार मैं आगे निकल गया। इस बार मैं आगे निकल गया। खुशी यार, कितनी खुशी हो रही है, मैं कैसे बताऊं। फाइनली रेडर को हरा दिया। रेडर को हरा दिया, पल्सर 125 से रेडर को हरा दिया। मजा आ गया। और ये यहाँ पे रेस खत्म। तो इस बार रेडर सही से उठ नहीं पाई थी, भैया बोल रहे हैं, तो भैया की सुन ली हमने और भैया को दोबारा एक मौका दिया। हम एक बार तो जीते हैं यार, उसमें भी चीटिंग कर दी हमारे साथ। भगा लेते अच्छे से, कोई बात नहीं। चलो भैया सीरियस हो गए यार, बड़ी स्पीड में लेके जा रहे हैं। भैया इतने सीरियस नहीं होना चाहिए। देखते हैं इस बार पकड़ पाते नहीं पकड़ पाते। भैया काफी सीरियस हो गए, अभी हम पल्सर से दोबारा पकड़ेंगे। देखो ये देखो भैया, हमारे भैया रेडर पे देख रहे हो। मैं सीरियस होकर बाइक भगाता हूँ, मेरी बाइक पीछे हो जाएगी वरना। भैया पीछे चले गए फिर से। यस, अब सही भाग रही है पल्सर 125। और कोशिश करते हैं, अभी मैं पीछे नहीं देखूंगा, मेरे को ये देखना है बाद में रेस खत्म होगी तब मैंने कितना डिस्टेंस बनाया या फिर नहीं बनाया। चल रही है 117।
मज़ा आया इस रेस में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, कनेक्ट हो जाना, कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो। ये अपनी रेडर आ गई जिसको अभी हमने हराया है दोबारा से, लेकिन मस्त कंपटीशन देती है। इसमें पता है शुरुआत में मेरे साथ क्या हुआ कि ये शायद सबके साथ ही होता होगा, जैसे नई बाइक पे अपन पहली बार बैठते हैं जो कि काफ़ी टाइम बाद अपन चला रहे हैं जिस बाइक को, तो उसमें अपन गियर शिफ्ट करते हैं उसके आरपीएम देख के, लेकिन इसमें स्लो है, मैंने आपको पहले बताया, दिख रहा है। तो शुरुआत में ये भी एक हल्का सा रीज़न था हारने का, लेकिन जब मुझे थोड़ा सा समझ में आया तो मैंने अपने हिसाब से गियर चेंज किया, उसके बाद मैं आगे निकल गया था। लेकिन हर बार शायद नहीं निकल पाऊँगा, क्योंकि बराबर सा टॉप एंड मान सकते हो दोनों बाइकों का, बराबर सी है टॉप एंड पे, कभी वो आगे रह जाती है कभी ये आगे रह जाती है, इतना फर्क आ जाता है। वीडियो आपको पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना और अपने भाई को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, और वहाँ पे कुछ भी डाउट हो कुछ भी पूछना हो तो वहाँ पे पूछ सकते हो, अपने भाई से कनेक्ट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, मस्त रहो और खुश रहो यार।